Yes, Maniya Dakshi. जिस सर कहना चाहिए द्वारा निर्मित किरतपुर नागचला फोरलेन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसका मुख्य माननीय अध्यक्ष जी NHAI द्वारा निर्मित किरतपुर नागचला फोरलेन का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसका मुख्य कारण फोरलेन निर्माण में लगी कंपनियां जो अपना कार्य दूसरी छोटी कंपनियों को आगे सबलेट कर रही है। फोरलेन निर्माण की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण कई जगह से सड़क के किनारे लगी सुरक्षा दीवारें एवं सड़कें कई स्थानों पर धस रही हैं और भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण इन स्थानों पर पुनः सड़क निर्माण किया जाना अति आवश्यक है जिससे यातायात बाधित न हो। माननीय अध्यक्ष जी, किरतपुर नागचला फोरलेन का काम किरतपुर नेरचूक एक्सप्रेस हाईवे लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। यह कंपनी सड़क का आधा काम छोड़कर जून 2017 में भाग चुकी है, जिस कारण यह सड़क मात्र 24 किलोमीटर ही बन पाई है। 60 किलोमीटर की लगभग इसका निर्माण करना होना बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा कारण यह है कि अधिकरण के उपरांत भी बहुत से लोगों का को पैसे का भुगतान नहीं हो पाया, जिस कारण लोग अपने घरों को खाली नहीं कर रहे हैं और बहुत से लोग संघर्ष धरना इत्यादि करने लगे हैं। इस निर्माण कार्य से हो रही देरी से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन में भी काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आग्रह है कि किरतपुर नागचला फोरलेन का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें ताकि लोगों को इस समस्या का सामना करना न पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।